बैक साइड का पूरा ब्लूइश कलर है एंड देखिए इसका क्लॉ स्निकेट में पड़ता ही है। ये आपका छोटा कोई भी 3-4 इंच, इसको ड्रैगन मड स्कीपर ब्लू स्पॉटेड ड्रैगन भी बोल सकते हैं। जो ट्री है ना आपका मैंग्रोव ट्री, उसका मुंह में जो भी फिट हो जाए वो खा लेता है। बहुत यूनिक फिश है। ये आवाज भी निकल रहा है, बंद हो जाएगा तो क्वांटिटी उसको ये तो देख सकते हैं आप, मैंने लीड लगा के रखा है। जो कोई हॉबी न्यूली स्टार्ट कर रहा है उसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल फिश है, कोई खरोच नहीं एकदम। हे गाइस वेलकम टू लकी पीस चैनल, मैं हूं सुष्मिता और एक नया वीडियो आज आपके साथ शेयर करूंगी। आज हम जाएंगे एक फिश फार्म विजिट करने के लिए, भैया के साथ बात करेंगे, नाम पूछ लेंगे और वहाँ का क्या एड्रेस है वो भी पूछ लेंगे और क्या क्या भैया के पास वैरायटी मिलेगा वो भी सब कुछ पूछ लेंगे। यूट्यूब के अलावा आप लोग मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हर तरीके अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। तो फाइनली आज भैया के घर आ गए हैं, भैया के साथ थोड़ा बात करेंगे, नाम पूछ लेंगे और भैया का घर का जो एड्रेस है वो भी पूछ लेंगे। भैया आपका नाम बताइए पहले और यहाँ का जो एड्रेस है वो थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम चिरंजीत रॉय, माई कंपनी नेम इज बबल्स अंडर वाटर। यहाँ का एड्रेस है, नियर बाई स्टेशन है बालीगंज एंड रूबी वेरी क्लोज लोकेशन। इधर का मेनली लोकेशन है कौशबा। आप रूबी कौशबा बोलने से कहीं पे हावड़ा से भी बस मिल जाएगा, शैलदा से डायरेक्ट बालीगंज का स्टेशन है, ट्रेन है तो इजी टू एक्सेस। आज आपके पास कौन कौन सा नेटिव फिश देखने के लिए मिलेगा? आज हम लोग मैं दिखाऊंगा आपको चना गोल्डन कोबरा, चना एंड्राओ जो पीछे देख रहे हैं आप, चना एंड्राओ, देन चना स्टुअर्टी, चना ब्रूनिया, देन गोल्डन माशीर, यही सब और कुछ थोड़ा बहुत देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भैया सामने जो एक खूबसूरत सा फिश दिख रहा है ये कौन सा फिश है? ये गोल्डन कोबरा है, ये चना गोल्डन कोबरा ऑरेंटी माकुलाटा। ये अभी तो फिलहाल डिस्प्ले के लिए एक पीस ही रखा हो इधर, आपको बाकी वीडियो में दिखाऊंगा मेरा कितना स्टॉक आया है। अच्छा ये जो फिश का वैरायटी कितना मिलेगा? गोल्डन कोबरा का तो देखिए एक ही वैरायटी रहता है, उसका अलग कोई वैरायटी नहीं है। चन्ना का आज बहुत सारा वैरायटी देखेंगे। जनरली गोल्डन कोबरा का, गोल्डन कोबरा इज़ अ वेरी इजी टू मेंटेन फिश रहता है। इसका खाना मैक्सिमम टाइम ये लाइफ फीडिंग ही लेता है, बहुत जंपर है ये तो देख सकते आप, मैंने लीड लगा के रखा है, ये लीड देखिए, ये लीड लगा के रखा है तो जंप करता है ये। बहुत बार जंप भी कर चुका है। हाँ ये बहुत जंप करता है। अच्छा इसका प्राइस कितना है अभी मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस में जो भी टेक्स्ट करता है या फिर मुझे कॉल करता है मैं सबको इनबॉक्स कर दूंगा, क्योंकि इसका प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है तो हमेशा फिक्स नहीं रहता है। या ये कौन सा फिश है? वो जो आपने पहले देखा था सेम गोल्डन कोबरा है, 10-12 इंच का साइज का है। अभी गोल्डन कोबरा मेरे पास आपका 5 इंच साइज से अवेलेबल है, ये आप 12 इंच का साइज देख रहे हैं। देखिए कलर कितना अच्छा पैटर्न देख रहा है, एकदम फ्रेश क्वालिटी है ये। इस बार का क्वालिटी जो है एकदम परफेक्ट क्वालिटी है, कोई खरोच नहीं, एकदम फाइन क्वालिटी है, बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न एंड बहुत ब्यूटीफुल कलर्स लेके हैं। अच्छा भैया इसका खाना क्या देते हैं? एक्चुअली ये लाइफ फिट करता है, जनरली आप मील वर्म्स दे सकते हैं, ट्यूबी फ्लक्स वर्म्स दे सकते हैं एंड देन दूबिया रोचेस हो गया, देन आपका श्रिम्स, कभी कभी श्रिम्स भी दे सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड फीड फॉर देम। श्रिम्स आप फ्रोजन वाला दे सकते हैं या फिर सब्जी मंडी से लाके आप अच्छे से क्लीन करके यू कैन फीड देम। अच्छा इसको अच्छे से कैसे रख पाए हम? देखिए अच्छे से रखने के लिए इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक टैंक में सब्सट्रेट दीजिए, जैसे मेरा पिछले वाला पहला वाला जो दिखाया था आपको, एक टैंक में आप सब्सट्रेट दीजिए, थोड़ा वुड से डेकोरेट कीजिए, तो उससे क्या होगा तो वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा मछली, थोड़ा उसको नेचुरल फील मिलेगा तो स्टेबल रहेगा। और इसका ये बहुत जन को ये लगता है क्या ये दूसरा मछली के साथ रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये इसका साइज़ का कोई भी मछली के साथ रह जाता है, जनरली प्रॉब्लम नहीं होता है इसको, इसका साइज़ जो है वो साइज़ के साथ, आपका टैंक में 7 अगर एक कोबरा का साइज हो 10-12 इंच, आपका टैंक में समझ लीजिए 7-8 इंच का भी कोई मछली है, ये उन लोगों के साथ इजीली कंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन आपका टैंक में दूसरा कोई चन्ना है
तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, वो तभी नहीं रह पाएगा, वो डोमिनेटिंग रहता है। चन्नास आर वेरी डोमिनेटिंग, वो टेरिटोरियल हो जाता है तभी। अच्छा भैया, ये कौन कौन सा साइज का मिलेगा? ये आपका कोबरा मेरे पास अभी आपका 5 इंच से अवेलेबल है, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, ये देख रहे, ये 8 इंच, इससे पहले जो देखे वो 10 to 12 इंच था। सब साइज का ऑलमोस्ट 12 इंच तक, 12 to 13 इंच तक अवेलेबल है। भैया ये कौन सा फिश है? इसका कलर बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। ये चन्ना एंड्रॉव है, ये चन्ना ड्रॉफ्स निकेट है, ड्रॉफ्स निकेट में पड़ता ही है। ये आपका छोटा कोई भी 3-4 इंच मछली का साथ इजीली रह जाता है, बहुत ब्यूटीफुल मछली है, आप देख सकते हैं। बहुत ही आप ग्रूम कर सकते हैं इसको, बहुत ही सुंदर ग्रूम कर सकते हैं। ये आपका साथ बहुत अच्छा कंफर्टेबल हो जाता है एंड इजीली ये रख सकते हैं। ये सबसे आप अगर स्नेकेट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा एंड्रॉव, ये सबसे अच्छा एंड सबसे इजीली रखने वाला फिश है, बहुत इजीली रख सकते हैं। भैया अभी कौन कौन सा साइज का मिलेगा? ये मैं दिखाऊंगा अभी। ये मेरे पास 3 इंच से लेके 6 इंच तक भी अवेलेबल है, सब साइज के अवेलेबल है और बहुत बहुत स्टॉक है इसका, मैं आपको दिखाऊंगा इसका स्टॉक। क्या ये कौन सा फिश है? ये चन्ना स्टुअर्टी है, ये आप सेमी मॉन्स्टर बोल सकते हैं। ये मिड साइज में होता है 7 to 8 इंच, उससे बड़ा ये वाला नहीं होता है, स्टुअर्टी काली खोला है ये वाला। अच्छा अभी जो देख रहे हैं इसका साइज कितना है? अभी ये आपका 6 इंच से 7 इंच तक होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा खाने में क्या खाता है? ये आपका वो लाइफ फीड खाता है, ट्यूबी फ्लेक्स वॉर्म खाता है, देन आपका मील वॉर्म खाता है, सुपर वॉर्म खाता है, श्रिम्स अगर देते तो श्रिम्स भी खा लेता है। ये बहुत ईजिली ग्रूम करने वाला फ़िश है, अब बिगिनर्स के लिए ये वाला फ़िश परफेक्ट है, बिगिनर्स के लिए ये एकदम परफेक्ट फिश है। अच्छा भाई ये फिश अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है तो मिनिमम कितना पीस ऑर्डर करना पड़ेगा और तुम कितना दे सकते हो एक साथ? देखिए ये एक पीस भी अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है तो एक पीस भी ऑर्डर कर सकता है, और अगर किसी को होलसेल में लेना है 500 पीस, 1000 पीस, 2000 पीस, जितना मर्जी ऑर्डर कर सकता है, मेरा इधर में कोई क्वान्टिटी का इशू नहीं है। कोबरा से लेके एंड्रॉव से लेके कोई भी चन्ना का जितना मर्जी ऑर्डर कर सकता है, सब मिल जाएगा। ये कौन सा फिश है? ये चन्ना स्टुअर्टी का काली खोला है, ये आप देख सकते हैं सेमी मॉन्स्टर है ये वाला, आपका 7 to 8 इंच साइज में होता है। जो कोई हॉबी न्यूली स्टार्ट कर रहा है उसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल फिश है। अच्छा एक एक्वेरियम में कितना ये फिश रहेगा? देखिए ये एक रख सकते हैं, वो अच्छा बहुत अच्छा ग्रूम होता है, एंड आप और एक चीज़ कर सकते हैं उसके साथ, और एल्स 3 पीस, 2 पीस रखेंगे तो ज़्यादातर टाइम में फाइट करता है 2 पीस में, एक रखिए और 3 से ज़्यादा पीस रखिए, 2 पीस रखेंगे तो फाइट करेगा। यहाँ पे हम बहुत सारा मछली देख रहे हैं भैया, ये कौन सा फिश है? ये आप जो पहले देखे थे चना एंड्राव, ये चना एंड्राव का थोड़ा स्मॉल साइज है, ये आपका 3 इंच का साइज है। अच्छा यहाँ पे आपके पास बड़ा भी मिलेगा? हाँ हाँ, यहाँ पे 2.5 इंच, 3 इंच, 3.5, 4, 4.5, 6 इंच तक भी एंड्राव अवेलेबल है। एंड्राव का स्पेशलिटी है कि एंड्राव अगर आप रखते हैं तो, अगर समझ लीजिए यू आर कीपिंग देम फॉर 2 to 3 वीक्स, तो उसके बाद धीरे धीरे ये ड्राई पैलेट्स लेना स्टार्ट कर देता है, पैलेट स्ट्रेन हो जाता है एंड्राव। अच्छा कोई अगर ये नेटिव फिश लेके पहली बार स्टार्ट करना चाहता है तो कौन सा फिश पहली बार स्टार्ट करना मतलब अच्छा रहेगा? देखिए पहले बार स्टार्ट करने के लिए एंड्राव, आई थिंक एंड्राव इज द बेस्ट फिश। एंड्राव स्टुअर्टी इज ऑल्सो अ वेरी गुड फिश, बट एंड्राव इज द मोस्ट बेटर वन। एक ही एक्वेरियम में कितना रहेगा मिनिमम? देखिए डिपेंडिंग ऑन द साइज, अगर 1 फीट का एक्वेरियम है या 8 इंच बाई 8 इंच क्यूब भी है तब भी आप इजिली एक पीस तो रख ही पाएंगे इजिली। वन फीट क्यूब रहेगा तो आप उसमें इजीली आप पेयर रख सकते हैं इजीली। तो आप लोग देख सकते हैं भैया जैसे बताया कि यहाँ पे बहुत सारा क्वांटिटी है, आप जितना ऑर्डर करेंगे उतना ही मिल जाएगा, सिर्फ आपको भैया से बात करना है, ऑर्डर करना है। बहुत बहुत ही क्वांटिटी है यहाँ पे, एक दो फीस नहीं है आपको इधर। 1000 अभी तो मेरे पास 1000 से ऊपर स्टॉक है, जितना लगेगा सबको उतना मिल जाएगा, एंड सब क्वारंटाइन फिश है, आप सब देख सकते हैं वीडियो में,
कितना हेल्दी फिश है। मेरा इधर से सबको मालूम है क्या क्वारंटाइन फिश ही निकलता है, तो जितना क्वांटिटी लगेगा उतना मिल जाएगा। अभी क्वांटिटी तो इधर भरपूर है, जितना लगेगा उतना मिल जाएगा। भैया ये कौन सा फिश है? ये एंड्राव ही है, बिग साइज एंड्राव। ये देख रहे हैं साइज बड़ा है, कलर देख रहे हैं कलर कितना ब्राइट आ गया है इसका कलर। अभी ये इसका साइज कितना है? ये आपका 5 इंच होगा, 4 इंच 5 इंच। देख रहे हैं कितना एक्टिव मछली है। आप ट्यूबी फ्लेक्स वॉर्म दिया, पूरा खाना स्टार्ट कर दिया। और कितना बड़ा होता है ये? 6 इंच मैक्सिमम है। अभी ये वाला अगर लेता है तो कोई ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 इंच बढ़ेगा, उससे ज़्यादा ये बढ़ेगा नहीं। लेकिन इसका लाइफ स्पैन बहुत है, ये आराम से 6-7 साल इजीली रहता है। लाइफ स्पैन इसका बहुत ज़्यादा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी कितना रहेगा एक्वेरियम में? सेम आपका एक पीस रख सकते हैं। हाँ, एंड्राव का मैं एक चीज़ बोलूँगा, एंड्राव आर इजी टू डू पेयरेशन। एंड्राव का इजीली हो जाता है, तो आप मेल फीमेल रख सकते हैं, सिंगल मेल भी रख सकते हैं या सिंगल फीमेल भी रख सकते हैं, और तीन पीस से ज़्यादा जितना मर्जी रख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड्राउज आर वेरी मच सोशल फिश, वो एक साथ बहुत सारा आप इजीली रख पाएंगे। भैया ये कौन सा फिश है? ये चना ब्रूनिया है, ये चॉकलेट ब्लेडी है, इसको ब्रूनिया बोलते हैं। ये अब एंड्राव जैसा ही है, एंड्राव जैसा साइज रहता है, लेकिन ये रेड बेस में है। एंड्राव जैसा ब्लू बेस में रहता है, ये थोड़ा ऑरेंज एंड रेड बेस में है, तो कभी कभी येलो कलरेशन भी मिल जाता है। इसका देख रहे हैं इसका फिन्स में बहुत सुंदर येलो पैटर्न्स एंड कलरेशन होता है, एंड टेल में इसका बहुत ब्राइट मार्किंग रहता है, स्पेसिफिकली इसका टेल। ये टेल देख रहे हैं, टेल बहुत ब्यूटीफुल होता है इसका। अच्छा, अभी इसका साइज कितना है? ये आपको इधर में 3 इंच का भी है, ये 6 इंच प्लस भी है इधर। और कौन कौन सा साइज आपके पास मिलेगा? ये साइज मिल जाएगा, ये थोड़ा रेयर फिश है, ये हमेशा नहीं मिलता है, ये हमेशा स्टॉक में नहीं रहता है, कभी कभी स्टॉक में आता है, ज़्यादातर टाइम स्टॉक में नहीं रहता ये वाला। अभी जैसे देख रहे हैं अभी थोड़ा स्टॉक में है, लेकिन ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं ये स्टॉक में। एंड आपको शायद नहीं पता होगा, किसी ज़्यादा जन को नहीं पता होता है क्या, अभी हम लोगों का ऑफ सीजन स्टार्ट हो गया, बारिश ख़त्म होने चला है, तो अभी मछली जैसे पहले मछली इतना मिल रहा था, अभी थोड़ा मछली मिलना बंद हो जाएगा, तो क्वांटिटी उसके हिसाब से कम होता जाता है जितना ठंडी का टाइम जाता है। जैसे स्नेक्स हाइबरनेट करता है, चन्ना भी वैसे हाइबरनेट कर जाता है, काइंड ऑफ हाइबरनेशन, नॉट प्रॉपर हाइबरनेशन, काइंड ऑफ हाइबरनेट कर जाता है। अच्छा भैया, आपके हाथ में जो फिश है ये कौन सा फिश है? ये चकाचका कैट फिश है, ये इसको फ्रॉग माउथ कैट फिश भी बोलता है बहुत कोई। एंड ये क्या है, ये सैंड के अंदर बड़ो हो जाता है, एंड देन छोटा कोई मछली या फिर ऐसा कोई खाने लायक जिसका इसका मुंह में चला जाएगा ऐसा कुछ उसको अगर मिल जाता है तो उसको खा लेता है। मतलब ये सैंड के अंदर छुपा रहता है? हाँ, ये सैंड के अंदर छुपा रहता है, बहुत यूनिक फिश है, इसका मुँह देख सकते हैं कितना बड़ा है, बहुत यूनिक फिश है। ये आवाज भी निकल रहा है। हाँ, इसका भी स्टॉक अवेलेबल है, किसी को अगर इसका भी स्टॉक लगेगा तो ये भी मिल जाएगा। अच्छा भैया, मिनिमम ये कितने साइज का होता है? ये देखिए, 2 इंच साइज से 2 इंच साइज से अवेलेबल है। ये वाला तो देख सकते हैं, ये कम से कम 8 इंच का तो होगा, ये साइज तक भी कभी कभी मिल जाता है, हमेशा नहीं मिलता है, ये साइज का कभी कभी मिल जाता है, 2 इंच साइज से अवेलेबल है ये वाला। ये फिश के बारे में बहुत सारा व्यूअर्स को शायद पता नहीं है, तो मैं कह देती हूँ ये फिश भी आप लोग रख सकते हैं, और सैंड के अंदर ये छुपा रहता है। जब छोटा सा फिश व कोई वो दिखाऊंगा कैसे करके हाइड करता है, वो भी मैं दिखाऊंगा इसके बाद, मैं वो भी दिखाऊंगा कैसे करके ये हाइड करता है सैंड के अंदर। ये देख सकते हैं आप लोग कैसे छुपा हुआ है ये सैंड के अंदर, मतलब मैं पहले बोला था ये सैंड के अंदर देखिए एकदम पूरा कैमोफ्लाज हो गया है, आप उसको देख नहीं पाएंगे। आप जब छोटा कोई मछली आएगा या श्रिम्प्स आएगा, ये क्या करेगा, वो निकलेगा, उसको इमीडिएट पकड़ेगा, फिर सैंड के अंदर चला जाएगा। ये स्टोन के नीचे देखिए एक पीस आपको दिखेगा, ये स्टोन के नीचे।
ये क्या हमेशा छुपा ही रहता है? नहीं, हमेशा छुपा नहीं रहता है, ये निकलता है। वो सेफ हंट करने के लिए छुपा रहता है। वो ऐसा आपका जब उसका समझ लीजिए उसका पेट फुल फिल है, उसको हंट नहीं करना है, तब वो निकल के घूमता है, आजू बाजू घूमेगा। लेकिन जब उसको हंट करना है या फिर किसी को देख के उसको मतलब कोई अटैक करने वाला है या फिर कोई प्रीडेटर है उसका, तो वो छुपा लेता है खुद को। बहुत अच्छा कैमोफ्लैज करता है, बहुत ब्यूटीफुल एक मछली है ये वाला। ये देख रहे, ये सब 2 इंच साइज का है भैया। ये कौन सा फिश है? ये गोल्डन महाशीर है। या गोल्डन महाशीर टोर पुटी टोरा। ये बहुत ही रेयर फिश है, मतलब बहुत ही रेयर फिश है ये। अभी आप दिखाया आप सबको, सब में ये सबसे ज़्यादा रेयर फिश है गोल्डन महाशीर। इसका खासियत क्या है? एक्चुअली क्या है, ये मॉन्स्टर फिश है। ये आपका नदी में बहुत बड़ा हो जाता है, लाइक 20 kg, 30 kg बड़ा हो जाता है। एंड हम लोग तो उतना बड़ा मछली टैंक में नहीं रख पाएंगे। ये क्या होता है, इसका जो स्केल्स देख रहे हैं ना, अभी स्केल्स एक स्लाइट, आपको नहीं मालूम कैमरा में आ रहा है क्या नहीं, स्लाइट गोल्डन एक देख रहे हैं ना स्केल्स, ये स्केल्स पूरा गोल्डन हो जाता है। आई मीन पूरा गोल्डन, जस्ट लाइक आरोना में जैसा गोल्डन रहता है, पूरा उस वैसा ही गोल्डन हो जाता है पूरा स्केल्स इसका। अभी आज आया है मछली तो इसलिए स्ट्रेस में है, लाइट भी ऑन किया तो अभी स्ट्रेस में है मछली, तो थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाएगा तो इसका भी कलरेशन अच्छा ही आ जाएगा। थोड़ा स्ट्रेस फ्री होगा तो इसका भी आपको गोल्डन कलरेशन मिलेगा थोड़ा बहुत। अभी इसका साइज़ कितना है? ये अभी देखिए, ये साइज़ का जो मछली देख रहे हैं, ये साइज़ जनरली आता नहीं है, ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड रेयर साइज़ में भी है। ये आपका 10 to 11 inch का साइज़ में है, एक थोड़ा छोटा है, एक 7 inch होगा, बाकी आपका 10 to 11 inch का साइज़ में है, बहुत रेयर साइज़ में है ये वाला। अच्छा भैया, नीचे जो ये फिश दिख रहा है, ये कौन सा फिश है? ये तो नादुस है, इंडियन लिफ फिश। ये एक्चुअली मेरा लॉट था ये वाला, ये कहीं पे एक पीस स्पॉन्ज फिल्टर या फिर वुड वगैरह के पास रह गया होगा, इसलिए बचा हुआ है। ये भी अवेलेबल है यहाँ पे, ये सिर्फ होलसेल के लिए अवेलेबल रहता है। ये किसी को भी जितना पीस भी लगेगा वो मिल जाएगा। ये इसका जो इसका मुँह रहता है वो बहुत बड़ा होता है, ये बहुत बड़ा बड़ा मछली को खा सकता है, बहुत बड़ा होता है इसका फेस, जस्ट लाइक आपका बारामुंडी या फिर पीकॉक बास एक्सेट्रा। अच्छा भैया, आपके पास तो बहुत सारा फिश है हमने देखा है, इसके साथ बताओ कि ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी का करते हो? ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी पॉसिबल है, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो जाएगा। नॉट ओनली ऑल ओवर इंडिया, अगर कोई आउटसाइड कंट्रीज भी लेना चाहता है, एक्सपोर्ट शिपमेंट भी पॉसिबल है इधर से एक्सपोर्ट शिपमेंट भी होता है। ये कौन सा फिश है? ये आपका बारामुंडी है, सी बास। ये मॉन्स्टर फिश में है, बहुत बड़ा होता है ये आपका, एकदम जंबो साइज में होता है ये आपका। अगर वाइल्ड में देखे तो आपका 5 kg, 20 kg तक भी ये साइज़ में हो जाता है, इतना बड़ा होता है ये। तो खाने में जो भी मिलता है, जो भी लाइफ फीड मिलता है, ये ड्राई पैलेट वगैरह उतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता, खाने में जो भी लाइफ मिलता है, छोटा फिश हो जाए, उसका मुँह में जो भी फिट हो जाए वो खा लेता है। अच्छा, मिनिमम इसका साइज़ कितना है अभी? देखिए अभी तो इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, अभी अप्रॉक्सीमेटली 6 inch होगा, 7 inch होगा। एक पीस शायद बड़ा दिख रहा है मुझे, ये बड़ा भी अवेलेबल रहता है मेरे पास, 8 inch, 9 inch, 10 inch का भी अवेलेबल रहता है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ही ये इसका स्टॉक ही पड़ा हुआ है। भैया ये क्या है? ये आपका ट्री क्रैप है, मैंग्रोव ट्री क्रैप। ये बहुत ही कलरफुल होता है एंड बहुत ब्राइट होता है। ये एक्चुअली मैंग्रोव में आपका जो ट्री है ना, आपका मैंग्रोव ट्री, उसका जो वुड्स रहता है वो पेड़ में रहता है, ये उसका पेड़ के नीचे होल बनाता है, एंड जब टाइड हाई टाइड लो टाइड हो जाता है तभी पेड़ में उठ जाता है। अभी इसका तो कलर पर्पल कलर दिख रहा है। हाँ, ये पूरा पर्पल कलर में ही आता है ये फुल, ये बहुत एग्रेसिव हो जाता है कभी कभी, ये पर्पल कलर, रेड कलर, देन येल्लो कलर में भी आपको मिल जाएगा। येल्लो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इधर में येल्लो भी है। तो देखिए आप लोग सामने से दिखा रहे हैं भैया, ये येलो कलर का है क्रैब है। हाँ, ये येल्लो कलर का है, आप पहले जो देखे पर्पल कलर का था, रेड कलर का भी होता है, ब्राइट रेड होता है उसका क्लॉ। वो अभी तो अवेलेबल नहीं है, कल आ जाएगा, कल परसों स्टॉक में आ जाएगा, हो सकता है तो मैं आपको, मैं भैया से वीडियो शेयर कर दूंगा। तो आप लोग देखिए भैया के पास क्रैब भी है हर कलर का।
हाँ ये बहुत ब्यूटीफुल रहता है। अच्छा भैया ये कितना बड़ा होता है? ये जो आपने देखा इससे पहले पर्पल कलर का, उस वही मैक्सिमम साइज़ है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता ये उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन इसका ग्रिप बहुत सॉलिड होता है क्योंकि ये पेड़ पे रहता है ना। इसका ग्रिप जो देख रहे हैं, मतलब इसका पैर का जो ग्रिप देख रहे हैं, ये पैर का जो ग्रिप है वो बहुत सॉलिड होता है, टेंट ये। मतलब ये उंगली काट देगा आराम से? नहीं नहीं, पिंचर से उंगली काटता है, जोर से काटता है, लेकिन ये दूसरा जो पैर है ना ये बहुत ही क्रैबिंग करने के लिए, कहीं पे चढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब ये बहुत ही नुकीला है एंड बहुत शार्प है। मैं दूसरा कलर भी दिखा रहा हूँ। अच्छा भैया ये कौन सा है? ये भी पर्पल क्रैब है, देखिए इसका कलरेशन, ये देखिए इसका बैक साइड का पूरा ब्लूइश कलर, कैमरा में आ रहा है क्या नहीं मालूम, बैक साइड का पूरा ब्लूइश कलर है एंड देखिए इसका क्लॉ, इसका क्लॉ का कलरेशन देखिए, सिर्फ ये पूरा पर्पल, फुल पर्पल। मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे काट सकता है एंड ये बहुत बुरा काटता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है इसका पर्पल कलरेशन, ये बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है। मतलब लोग शौक से ये क्रैब भी रख सकते हैं? हाँ ये बहुत ब्यूटीफुल है क्रैब, देखिए इसका बैक साइड। अच्छा ये एक्वेरियम में रह सकता है? हाँ एक्वेरियम में रह सकता है, अब अगर इसको बास्किंग एरिया देते हैं तो सबसे बेस्ट है, ये बास्किंग एरिया इसको बहुत पसंद है, ये बास्किंग करने को उसको बहुत अच्छा लगता है इसको बास्किंग करना। भैया एक क्रैब एक साथ कितना रह सकता है एक एक्वेरियम में? जगह इसको अगर जगह रहता है तो रह सकता है, बास्किंग एरिया रहेगा तो आप 5-6 पीस इजीली रख सकते हैं, ये थोड़ा सा जगह में भी रह जाता है। देख रहे इसका कितना पावरफुल है, मेरा इधर में इतना ज़ोर से पकड़ बना रहा है ये अपना, ये बहुत ही पावरफुल है। अच्छा यहाँ पे तो बहुत सारा वैरायटी है और छोटा बड़ा सभी है, तो एक साथ रहेंगे तो मारपीट कर नहीं करेगा क्या? जनरली इसको खाना मिलता रहेगा तो ये मारपीट नहीं करेगा, अगर खाना नहीं मिला तो तभी एक थोड़ा प्रॉब्लम करता है, खाना मिलने से कुछ नहीं करता है। भैया आपके हाथ में जो फिश है ये कौन सा फिश है? ये ब्लू स्पॉटेड मड्सकीपर है, इसको ड्रैगन मड्सकीपर, ब्लू स्पॉटेड ड्रैगन भी बोल सकते हैं, ये बहुत कलरफुल होता है, बहुत ही कलरफुल, आप तो देख पा रहे हैं पूरा ब्लू स्पॉट में भरा रहता है, जब पानी के अंदर या फिर पानी के बाहर भी ये दोनों मेल फाइट करता है, इसका ये डॉर्सल फिन जो देख रहे हैं आप, ये पूरा ऊपर लेके पूरा फ्लेयर करता है, इसका बॉडी पे जो स्पॉट है बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है, तो इतना बड़ा होगा इसका स्पॉट्स उतना अच्छा आएगा, उतना अच्छा खिलेगा। अच्छा कितना बड़ा होता है मिनिमम? ये आपका 5 इंच तो 6 इंच तक बड़ा हो जाता है, उतना बड़ा आराम से हो जाता है, ये मेरे पास भी आपको 3 इंच से 5 इंच तक मिल जाएगा एंड होलसेल रिटेल सब में ही मिल जाएगा। तो भाई से हम लोग बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया है और भाई के पास बहुत सारा वैरायटी भी है, तो भाई एक बात बताओ इसके अलावा कोई दूसरा कोई नेटिव फिश मांगेगा तो अरेंज कर सकते हो? देखिए यहाँ पे मेरा हर टाइप का नेटिव फिश आता है, हर टाइप का मेरा इधर जब जो जो स्टॉक रहता है तभी तब वही स्टॉक हम लोग इधर से प्रोवाइड करते हैं, और ऑलमोस्ट एवरी मंथ में ऑलमोस्ट हर तरह का नेटिव फिश आता है एंड जो जो डिमांडिंग रहता है वो तो ऑलवेज मोर लेस अवेलेबल रहता ही है, एंड ऑफ सीजन में भी जो जो नेटिव फिशेस नहीं मिलता है मेरा इधर मिल जाएगा, जैसे एंड्राओ अगर जैसे ऑफ सीजन अभी स्टार्ट हो गया मेरा इधर में आपको दिसंबर जनवरी फरवरी तक भी एंड्राओ मिलता रहेगा, क्वांटिटी इधर में आपको सब चीज़ का मिल जाएगा। अच्छा इसके साथ साथ और एक बार बता दो कि ऑल ओवर इंडिया तो डिलीवरी करते हो तो इसके साथ साथ बाहर भेजने का जो थोड़ा प्रोसेस होता है जो वो थोड़ा बताओ। देखिए आपका बाहर अगर भेजना है किसी को लेना है तो उसका लाइसेंस होना चाहिए या फिर वो किसी का लाइसेंस ले भी सकता है, शेयर कर सकता है, उसका इम्पोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, हम लोग का इधर से एक्सपोर्ट लाइसेंस से जाएगा उधर उसका इम्पोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन रहता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन रहता है, वो डॉक्यूमेंटेशन होके तभी जाएगा मछली, एकदम प्रॉपरली लीगल वे से ही जाता है जहाँ पे जाता है, एंड नियर बाई बांग्लादेश नेपाल तो वो इजीली चला जाता है, किसी को लगेगा तो इजीली अवेलेबल है, नेपाल इज़ वेरी इजी टू सेंड, बांग्लादेश थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव हो जाता है, किसी को क्वांटिटी लगेगा बांग्लादेश से तो थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव हो जाता है, क्वांटिटी नहीं लेगा तो उसको नहीं जमेगा।
तो भैया ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी करते हैं, इसके साथ साथ बांग्लादेश में भी भैया भेज सकते हैं, इसके साथ साथ और भी जो देश है वहाँ पे भी भैया आराम से भेज सकते हैं। ठीक, लीगली पेपर होना चाहिए आप लोगों के पास। इसके लिए आप लोग भैया से कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए, और भैया का कॉन्टैक्ट नंबर थोड़ी देर में शेयर करेंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6291407622, 6291407622। कॉल करने का थोड़ा टाइम बताओ, और व्हाट्सएप नंबर कोई है तो बताओ। देखिए इस नंबर पे ही आप लोग कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर मैं कभी भी बिजी रहा या फिर पिक नहीं कर पाया या फिर कोई, मैं कॉल बैक कर लेता हूँ यूजुअली। एंड व्हाट्सएप तो आप जब मर्जी भी कर सकते हैं, उसका कोई टाइमिंग नहीं है, जब मर्जी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। जो फ्रेंड हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो का फास्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।